चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 14 अक्टूबर के करंट अफेयर्स और देखते हैं आगे के हमारे पार्ट को। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, किस डेट को। देखिए बात यह है कि डेली कोई ना कोई इंटरनेशनल या नेशनल डे होता है। अब हमें कौन से इंपॉर्टेंट याद करने हैं। देखिए इंपॉर्टेंट वो होते हैं एग्जाम के लिए वैसे तो, जिसमें इंडिया का कुछ ज्यादा ही रोल प्ले हो रहा है, ठीक है ना। और ये स्टैंडर्ड्स डे जो हमारे स्टैंडर्ड होते हैं अलग अलग चीजों के, ठीक है, तो उनका डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे जो है वो है 14th अक्टूबर को। सो आपको ये अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। 14 अक्टूबर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि हेडक्वार्टर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जिसको आप WWF भी बोल देते हैं, काफी बार आपने अपनी NCERT की बुक्स या अन्य किसी बुक में करंट अफेयर में सुना होगा इसका नाम, तो इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है। सबसे पहले देखिए इसकी फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, बेसिकली ये फुल फॉर्म हो जाती है। इसका कई बार लोगो भी पूछ लेते हैं, तो ये पांडा जो है ये इसका लोगो होता है। 1961 में इसको बनाया गया है, ठीक है ना। और इसके बाद हमारे पास इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के अंदर। सो आंसर डी इज योर राइट आंसर। ओके अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान। अब कजाकिस्तान न्यूज में क्यों है, सेम वही सेंट्रल एशिया का देश, ठीक है। सो ये सेंट्रल एशिया इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट एरिया है और इसकी जो कैपिटल है वो आप देख पाएंगे, अस्ताना जो है इसकी कैपिटल है। सो आंसर ए इज योर राइट आंसर। देखिए आप अगर इधर से, ये जैसे इंडिया है यहाँ पे, ठीक है ना, ये एक सेकेंड, ये जो पूरा इंडिया का एरिया है, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे चाइना को पार करके कजाकिस्तान का एरिया पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है कि अस्ताना इसकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन ऑफ लोकसभा। देखिए अभी इसका आंसर ए आ जाएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो लोकसभा के इलेक्शन, ठीक है, कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि इंडिया की जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जिसको भारत निर्वाचन आयोग भी बोल देते हैं, ठीक है ना, उसका लोगो ये है आप देख सकते हैं। और 25 जनवरी 1950 को इसको बनाया गया और इसी दिन 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे भी मनाते हैं। ओके और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, नई दिल्ली में। तो ये रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा की इलेक्शन के लिए। अब ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी देखिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की इलेक्शन होने हैं और विधानसभा की इलेक्शन के लिए भी इलेक्शन कमीशन जो है रिस्पॉन्सिबल है। हु लॉन्च्ड नेक्स्ट जेन लॉन्च व्हीकल। देखिए नाम से ही दिख रहा है, लॉन्चिंग यानी स्पेस की कोई बात चल रही है, तो किसने लॉन्च किया है ये। तो आप देख पाएंगे कि इसरो के खुद का जो नेक्स्ट जेन लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया है इसरो ने। अब ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि देखिए हमारे पास PSLV होता है और GSLV है, ठीक है, तो इनमें से एक नया लॉन्च व्हीकल चाहिए था हमें, तो ये एक नया यहाँ पर दिख रहा है नाम, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट्स हैव बीन कनेक्टेड बाय रेलवे रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन सी स्टेट्स को पहली बार रेलवे के द्वारा कनेक्ट किया गया है। तो इसका आंसर देखिए आप देख पाएंगे यहाँ पे कि त्रिपुरा और मणिपुर को भी पहली बार कनेक्ट किया गया है, दूसरा नागालैंड और मेघालय को भी पहली बार कनेक्ट किया, तो बी भी इसका आंसर आ जाएगा, सी भी। तो आप ऑप्शन डी की जगह कर सकते हैं, बी एंड सी बोथ, ठीक है, कोई बात नहीं। आप यहाँ पर ऑप्शंस को एक बार निगलेक्ट करें तो हमें ये चीज याद रखनी है कि कौन कौन से जो एरियाज है पहली बार कनेक्ट हुए हैं, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, त्रिपुरा और मणिपुर एंड देन नागालैंड और मेघालय, ठीक है ना। वेयर इज नामदापा नेशनल पार्क। देखिए नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब भी इनमें से कोई ना कोई न्यूज में रहता है। डेली एनिमल्स का कोई ना कोई यहाँ पर इशू या उनकी सुरक्षा के प्रति काफी सारी चीजें डिस्कस होती है। तो नामदापा नेशनल पार्क आप देख पाएंगे किस लिए है, स्नो लियोपर्ड की वजह से जो है न्यूज में है। ओके तो अभी कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि जो चीताज को इंट्रोड्यूस किया गया है वो कौन सी स्टेट में इंट्रोड्यूस किया गया है। ओके तो इसका जो आंसर है वो बी आ जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं स्नो लेपर्ड की, जिसको गोस्ट ऑफ द माउंटेन्स भी बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा जी नामदापा के बारे में एक चीज और याद रखिए, इंडिया का बिल्कुल ईस्टर्न मोस्ट नेशनल पार्क है ये, बिल्कुल ईस्ट में, ठीक है ना। ईस्ट आई थिंक आपको पता ही है, ईस्ट इस तरफ होती है, वेस्ट नॉर्थ एंड देन साउथ, ये डायरेक्शन भी बहुत बेसिक चीज है आपको याद रखनी है। ओके तो ये था इंपॉर्टेंट बात। अब देखिए नामदापा में टाइगर है, लियोपर्ड है, क्लाउडेड लियोपर्ड, ये सब मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज वीमेंस एशिया कप स्टार्टेड। अच्छा जी अभी आज जो है 15 अक्टूबर है, वैसे तो करंट अफेयर हम 14 के पढ़ रहे हैं, थोड़ा लेट हो गए थे, और इसके अंदर देख पाएंगे 15 अक्टूबर को इंडिया ने एशिया कप जीत लिया है, वीमेंस का जो एशिया कप। अच्छा ये स्टार्ट कब हुआ आप देख पाएंगे कि इसकी शुरुआत 2012 में हुई थी, तो आंसर आ जाएगा सी, ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पीएम गति शक्ति जो योजना है ये काफी ज्यादा न्यूज में चर्चित रहती है, ये किसके डेवलपमेंट के लिए स्टार्ट की गई है योजना। आप देख पाएंगे गति शक्ति का जो है
वो पिलर किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो आंसर बी इज योर राइट आंसर कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी डांस है वो किस स्टेट का है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। आप देख सकते हैं, देखिए वर्ल्ड कुचिपुड़ी डे है वो 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, हमारी आर्ट और आर्टिस्ट के जो सपोर्ट है उनके लिए, और 2020 में स्टार्ट किया गया था इसको, तो काफी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रिसेंट है। किसके नाम पे कुचिपुड़ी डांसर थे? डॉक्टर वेमपति चीना सत्यम। तो ये इनके नाम से, एक लेजेंडरी डांसर थे हमारे कुचिपुड़ी के, तो इनके नाम से स्टार्ट किया गया था। तो आंध्र प्रदेश इसका आ जाएगा राइट आंसर। सो ये देखिए हमारे 14 अक्टूबर के क्वेश्चंस। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।